1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लेफ्टिनेंट जनरल संकत सिंह बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना से लड़ रहे थे। संकत सिंह एक बहुत ही साहसी और शक्तिशाली सेनापति थे। संकत सिंह एकमात्र सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने 3 युद्धों में जीत हासिल की, 1961 गोवा और 1967 नाथुला सेक्टर चाइना बॉर्डर। जनरल संकत सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अगरतला सेक्टर की तरफ से हमला बोला और अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि संकत सिंह ने अपने सहयोगियों से पूछा कि उन्हें सामने दिख रही 4 किलोमीटर चौड़ी मेघना नदी को कैसे पार करना है। सहयोगी ने बताया कि उस जगह के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। संकत सिंह ने इसका मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। इस छोटी सी बात ने संकत सिंह की लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म की एक बहुत बड़ी मिसाल प्रदान की। इस बात से पता चलता है कि प्रोफेशनल नॉलेज और कॉम्पिटेंस एक अच्छे लीडर के लिए कितना आवश्यक है। अगर एक लीडर अपने कार्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखता है और अपने सहयोगियों से उसकी सहायता मांगता है तो वो अपने कार्य को सही ढंग से संभाल सकता है। और इस तरह संकत सिंह ने अपनी लीडरशिप के जरिए हेलीकॉप्टर की मदद से 4 किलोमीटर चौड़ी मेघना नदी के पार पूरी ब्रिगेड को उतार दिया और आगे बढ़ गए। जनरल संकत सिंह की लीडरशिप में भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया और जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। इसके बाद 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण और बांग्लादेश का उदय अपने आप में इतिहास बन गया। उनकी प्रोफेशनल नॉलेज और कॉम्पिटेंस के बल पर वे हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे थे। हम सभी जानते हैं कि लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट टू बी इन मिलिट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर और एनी अदर फील्ड, रिक्वायर गुड लीडर टू सक्सेस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना बहुत जरूरी है। एक सोल्जर की लाइफ में प्रोफेशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उनके लिए अपनी ड्यूटी के अलावा कुछ भी नहीं होता। हर एक सोल्जर अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ भी कुर्बान कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन सभी सोल्जर में कुछ ही लोगों को लीडरशिप पोजिशन दी जाती है? क्यों? क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ एक अच्छे लीडर भी होते हैं। जब एक सोल्जर अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है तो उसको सबसे पहले अपनी फील्ड में प्रोफेशनल नॉलेज गेन करना होता है। उसको अपने वेपन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसको अपने एनिमी के टैक्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। उसको अपने एरिया की जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। इस सभी नॉलेज के बिना वो कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकता। क्या सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के साथ एक सोल्जर एक अच्छा लीडर बन सकता है? जवाब है नहीं। इसके लिए उनमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर अपने सोल्जर को मोटिवेट कर सकता है, वो उनके मोरल को हाई रखता है और उन्हें गाइडेंस देता है और वो उनके साथ साथ खुद भी काम करता है। इन सभी क्वालिटी के बिना एक लीडर अपने सोल्जर को कैसे इंप्रेस कर सकता है? भारत के पहले फील्ड मार्शल सेम मनिक्सा ने लीडरशिप की सबसे बड़ी एट्रीब्यूट्स प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बारे में क्या कहा। एट्रीब्यूट फॉर लीडरशिप is professional knowledge and professional competence. Now you will agree with me that you cannot be born with professional knowledge. Even if you are the child of a minister, the son of a member of parliament, or the progeny of a field marshal. Professional knowledge has to be acquired the hard way. It is a constant study. Professors, engineers, architects, lawyers, solicitors, doctors, they all study their professions continuously. They all contribute to magazines, to newsprints, to all sorts of things. But we in India, as soon as we reach positions of power, whether it's ministerial, secretarial, armed forces, or anywhere else, we think we are the repository of all knowledge. Professional knowledge has to be acquired the hard way.
And without professional knowledge, you can never have professional competence. And if you haven't got professional competence, you cannot be a leader. I wonder, those civilian gentlemen who have been charged with the security of this country, whether they have ever read a book on the military profession. I wonder if they know the difference between a gun or a howitzer. I remember a minister one day coming to me. I'd left being the army chief then, and said, and I will talk to you in his own language, "Zara batao, ye howitzer kya cheez hoti hai?" And I said, "What are you talking about, howitzer?" Then I discovered that he meant a howitzer. And I said, "Well, why are you asking me? Why don't you ask the army chief and others?" He said, "Kaise puche unse? Main minister hoon. Tere se to puch leta hoon. Tu janta hai ki main bewakoof hoon." I wonder if they can distinguish a mortar from a mortar, or a gorilla from a gorilla, although a great many resemble the latter. Ladies and gentlemen, professional knowledge is a sine qua non of leadership. You have to have professional competence if you are expected to lead anything. It doesn't matter whether you are in the army, whether you are in the teaching profession, whether you are in industry. Unless you have professional competence and professional knowledge, you cannot be a leader. And it has to be acquired the hard way. You've got to study all your life. What takes me to the next attribute? सेव मनीषा का ये पूरा वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ एक अच्छा लीडर होने से सोल्जर अपने लीडर को रिस्पेक्ट करते हैं। वो उन्हें अपने रोल मॉडल की तरह देखते हैं और उन्हें अपने लीडर की हर बात पर भरोसा होता है। लेकिन क्या ये क्वालिटी सिर्फ मिलिट्री में ही जरूरी है? नहीं, ये क्वालिटी हर फील्ड में बहुत जरूरी है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या फिर कोई भी फील्ड। एक अच्छा लीडर अपने फील्ड में ही सक्सेसफुल हो सकता है और इसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो। प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।